और एक फ्रेम ये है, इसमें देखो ये फर्स्ट में निकिता है, ये हरे रंग की। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और आज है पूरा सफाई का दिन और सबकी छुट्टियां भी लग गई है, भाई बहन सबकी छुट्टियां लग गई है। तो आज हमारा पूरा है पूरे घर को साफ करना है। तो देखते हैं आज कैसे, बहुत थकान होने वाली है। तो अभी मेरे को बहुत भूख लगी है, पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाते हैं सफाई का रूटीन। आज शायद सब कुछ दिखने वाला है आपको, सारा रिवील होने वाला है हमारे घर के अंदर का कूड़ा कचरा। तो बने रहिए लास्ट तक। तो आज नाश्ता मैंने बनाया, ये दाल बना रखी है ताकि दिन के लिए परेशानी ना हो, और सब्जी बनाई है लौकी की, और ये है मंदिर का हलवा, इसमें मैंने थोड़ा घी वी डाल के थोड़ा भून रखा है, और दही रोटी। तो अभी इसे खाते हैं, आज बहुत एनर्जी चाहिए। तो अभी पेट भर के खाना खा लिया है, और पूरा किचन वगैरह से मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया, वहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत ही कबाड़ा मचा हुआ है। और किचन को अभी साफ़ करना है, तो फर्स्ट मैं किचन सफाई कर रही हूँ। तो आप पहले आपको किचन दिखाते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। और ये है किचन, तो यहाँ से अभी आवाज़ ऐसी आ रही है, यहाँ इतने सालों से पेंट नहीं किया है। ये पिंक कलर का जो है ना, ये भी हमने किया, रितु और मैंने, इसके लिए हमने बहुत डांट खाई। देखो पूरा सीलन हुआ है, अब ये काला वाला सब निकालना है साफ करके, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इसका नेक्स्ट लुक लास्ट में, साफ सफाई पूरा करने के बाद। तो गाइस किचन की हालत काफ़ी ख़राब हुई है, बहुत टाइम से पेंट नहीं किया है। वैसे टाइल्स लगाने की सोची है इधर, लेकिन अभी टाइल्स लगाने के लिए थोड़ा खर्चा चाहिए ज़्यादा ज़्यादा, तो खर्चा आएगा। फिर उसके बाद पूरे किचन में टाइल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ सीलन बार बार आते रहेगा और पेंट बार बार उखड़ जाता है। तो अभी बढ़िया सी धूप आई है, और तो पहले धूप का काम करते हैं, मतलब ये कपड़े वपड़े सुखाने वाला, उसके बाद फिर किचन वगैरह तो होते रहेगा। पहले अभी धूप का दिखाती हूँ मैं आपको, पूरे सुखा लिए हैं पापा ने सुखाए हैं बहुत सारे कपड़े, दिखाती हूँ आपको, थोड़े से हमने भी सुखाए। यहाँ पे देखो पूरे छत में कपड़े सुखाए हुए हैं, ये सारे के सारे लगभग पापा ने ही सुखाए। और यहाँ पे अभी थक के यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर से लग जाएंगे काम पे। अभी तो एक दो बेड के और हैं। हाँ अभी कपड़े हैं, फूलों में रजाई हैं, गद्दे हैं, कंबल हैं, पूरा सामान अभी वही है, पूरा सीलन आ रही है। तो कौन करेगा ये सुखा करके, इनको फोल्ड करते हैं, फिर और अंदर जा करके और करूँगा, अभी दूसरी बेड के भी उठाने और होम स्टे के हैं कितने कपड़े। तो अभी सबका अपना अपना काम हो रहा है, यहाँ पे अभी सुखा लिए हैं, मैंने भी अपने रूम के सुखा लिए और थोड़े थोड़े सुखा लिए हैं, और फिर जाते हैं अभी किचन में, अब किचन का काम करते हैं। अभी किशु को भी देखना ही होता है, जब तक ये सोया नहीं है इसको इसके पीछे पड़े रहना पड़ता है। तो अभी ये पापा किशु को देख रहे हैं, हम लोग तो जाते हैं अब काम करने। थोड़ी पापा की चाचरी सुनो। दुर्गा चोरी माल देश की खानगी आया म्यारा होटल। बूम 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 बूम। तो जिस हिसाब से कूड़ा हुआ है ना, उस हिसाब से मैंने ये सर में ये बांध दिया है, क्योंकि ऊपर से बहुत मिट्टी आएगी। और तो ये बांध लिया है मैंने पुराना सा कपड़ा, ये बांधती हूँ मैं एक बार, उसके बाद फिर सफाई करती हूँ। दोस्तों हमारे किचन की ना हालत बहुत ख़राब हुई है, पूरी सीलन सीलन से, ये देखो यहाँ पर काला काला दिख रहा होगा आपको, देखो ऐसा हुआ है। तो इस वजह से अभी हम लोग करें इसमें पेंट, थोड़ा इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो फिर कलर चेंज करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है, अभी तो बहुत गंदा हुआ है। तो अभी पहले हम प्राइमर लगा रहे हैं पूरे कमरे में, फिर उसके बाद लगाएंगे पेंट। Thank you.
यहाँ भी प्राइमर लग रहा है, इधर लग गया देखो। और अभी मैं अपने साइड दिखाती हूँ मैं कहाँ किस जगह पे हूँ। मैं हूँ ये, ऐसे यहाँ पे दीवार है तो ऐसे पे यहाँ पे लगी हूँ। इधर भी गया मैं, मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे लगाना है हाथ, देखो ये अभी इसको लगाते हैं। चलो मेरा हाथ दर्द हो गया, मैं जाता हूँ अभी, नहीं जाएगा मुझे पता है, खाली बोलने तो अभी लगाते हैं हम। यह देखो ये हमने लिख दिया अपना नाम, अब ये किचन मेरा, अब यहाँ पे किसी का हक नहीं। यहाँ पे एक और नाम है, ये मोटू सा, ये तो ये अभी साफ कर दूंगी मैं, इसको मैं साफ कर दूंगी, ये मेरा है, इसमें मेरा ही नाम रहेगा। और ये कितना प्यारा सा स्माइल कर रहे हैं, जा रहा है ये मुझे ऐसी अकेले छोड़ के। देखो इसे गौर से, देखो इस शख्स को। तो गाइस इतना लगा लिया है, लगाया है लेकिन इधर नहीं लगाया, यहाँ हमारे लिए खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यहाँ पे अपना लगाना था, खत्म हो गया। देखो सब दोनों पार्टी खत्म हो गई। हेलो गाइस, तो आज करी मैं नेक्स्ट डे से ब्लॉग की स्टार्टिंग। और कल को हमने यहाँ पॉलीमर लगाया है लेदर एरिया में किचन के, और आज करेंगे हम पेंट। कल को पूरे कपड़े खराब हो गए तो अभी इसको चेंज करके वही कपड़े पहनती हूँ, फिर बार बार सब में पेंट लग जाएगा तो वही कपड़े पहनती हूँ। और अभी कर रही है मम्मी नाश्ते की तैयारी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो हमने कल को इतना पॉलीमर लगाया है इस पूरे एरिया में, वाइट पॉलीमर। और आज हम लगाएंगे पेंट, और पूरे यहाँ देखो पूरे यहाँ गिर गया। अभी इसको साफ करने की भी आफत आना होगा। ये है ब्राउन कलर, तो मैंने ब्राउन कलर लेके आई इस बार। वैसे मैं पर्पल लेके आने की सोची थी, सीलन होता है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो फिर से वैसे ही कलर आ जाता है, वाइट भी काला हो जाएगा एक टाइम पे। वैसे तो ये पॉलीमर है लेकिन अब मैं इसको ब्राउन लगाने की सोच रही हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। तो अब लगा के ही दिखाते हैं आपको। ये रहे पराठे और लाल की सब्जी, बढ़िया से पेट भर के खा लेते हैं। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद, वैसे मैंने अभी इतना ब्राउन कलर कर दिया है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो अभी मेरे को ब्राउन कलर तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ब्राउन कलर में सीलन भी नहीं आया, आएगा वो तो दिखेगा नहीं, तो मैं आज ब्राउन कलर कर रही हूँ। तो दोस्तों बहुत पेंट कर दिया है, ये देखो हाथ कैसे हुए। अभी मैं टाइम लैप्स लगाती हूँ, दिखाती हूँ आपको काम करते हुए। सफाई चल रही है ऊपर, यहाँ इधर से इतने ऊपर गई हुई है। और सभी का अपना अपना काम चला है, हम भी जाते हैं अब। मेरा पेंट कंप्लीट हो गया है, देखो पूरा पेंट लगा दिया है मैंने ब्राउन चॉकलेटी कलर, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देखो। और मम्मी लोगों को भी पसंद आया ये कलर। तो पूरे दो दिन लग गए इसको करने में, एक पॉलीमर पहले तो पॉलीमर लगाया वाइट पॉलीमर, तो उसके बाद उसको सूखने में टाइम लगा। आज ये है ये लगाया है, ये सूख जाएगा थोड़े दिन में, मतलब कुछ घंटे लगेंगे सूख जाएगा। उसके बाद सारा किचन का सामान यही सेट करेंगे, तब तक फिर और काम करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पेंट किया, तो अभी देखो ये पूरा ऐसे हुआ है। और
इसको साफ़ करना जरूरी है, नहीं तो बाद में काम नहीं आएंगे। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है पेट्रोल ये पूरा, और पेट्रोल से कलर भी निकल गया है। ये है हमारे पास पेट्रोल थोड़ा सा ही, और इसको डाल दिया है। अभी एक बार इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर होगा। मैंने एक बार इसको ना पानी से कर दिया तो क्या हुआ, मेरे हाथ में पूरा लग गया और फिर बहुत प्रॉब्लम हुआ, बड़ी मुश्किल से निकले। मैंने तो उसके चक्कर में नाखून वाखून सब काट दिए। और तो फिर अब ऐसे ही करते हैं इसको, फिर आगे को दिखाते हैं आपको। तो गाइस मैंने नहा धो के अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बाल सुखा लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको किचन का हाल। तो यहाँ से ले चलते हैं आपको किचन की ओर। और ये देखो ऐसे ऐसे बर्तन अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी इसको अच्छे से सजाना होगा। और मैंने कलर किया ये पूरा ब्राउन सा, और ब्राउन वाइट अच्छा लग रहा है वैसे। ये देखो पूरा ब्राउन ऐसे किया है, और बर्तन अभी ऐसे ही लगा रखे है। और इधर मैंने वाइट छोड़ा है क्योंकि थोड़ी सी शाइन आएगी तो अच्छा लगेगा, पूरा पूरा ब्राउन ठीक नहीं लगता, मतलब पूरा कमरा काला काला अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ इधर साइड येलो रखा मैंने क्योंकि मेरे पास ब्राउन इतना ज़्यादा नहीं था, और येलो से थोड़ी सी शाइन पड़ रही थी तो मैंने येलो ही रखा। तो अभी तो ऐसे ही रखा है ये, अभी अच्छे से संभालना है इसे। फिलहाल मैंने ऐसे किया, तीन तीन कलर कर दिए, तो बताना आप कैसा लग रहा है, येलो ब्राउन वाइट। वैसे ब्राउन वाइट तो अच्छा लग रहा है, मैंने येलो इधर ऐसे ही कर दिया क्योंकि इधर भी कभी कभी काला हो जाता है। येलो से थोड़ा दिखता है लेकिन कम दिखेगा, वाइट के हिसाब से कम दिखेगा, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। और सीलन वगैरह तो होती रहती है इसलिए मैंने ब्राउन कर दिया। तो बताना आप मुझे कि कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना, और ताकि मैं अगली बार थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं। अभी मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ, तो बने रहिए लास्ट तक। ये है हमारा कमरा, और यहाँ की पूरी सफाई मम्मी रितु निकिता इन लोगों ने करी, मैं तो किचन में ही थी, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ढेर सारी फ़ोटो लगी हुई है, तो मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये है हमारे किस्सू की फ़ोटो, ये देखो सारी की सारी किस्सू की है। और फिर ये है ये पापा, जब पापा की शादी भी नहीं हुई थी तब की। और ये है मम्मी, मम्मी ने करवा चौथ का फर्स्ट टाइम फास्ट रखा था उस टाइम की है। और ये है, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये हमारी रेनू मौसी है, ये फर्स्ट वाली सोनिया मौसी, और मम्मी इधर पे मम्मी है, तो इसको भी ऐसे ही रख देते हैं वापस। और ये है पापा फोटोग्राफी करते हुए, मतलब एकदम कैमरा बड़ा सा कैमरा पकड़ के, ये पापा। और ये अवार्ड है, और ये देखो यहाँ पे निकिता, और इसमें मैं ये वाली माँ हूँ, ये पापा और निकिता रितु और मम्मी। मम्मी देखो कितनी सुंदर है, ये मम्मी पापा। ये है मानस और रितु, ये फर्स्ट टाइम यहाँ जन्माष्टमी हुई थी तो यही दो बने थे, कृष्णा राधा। और ये देखो, और ये है हमारी अम्मा, पापा की मम्मी दादी मतलब। तो ये है हमारी, मतलब अब नहीं है वैसे इस दुनिया में, लेकिन ये हमारी अम्मा। और एक फ्रेम ये है, इसमें देखो ये फर्स्ट में निकिता है, ये हरे रंग की। और फिर ये फर्स्ट में चारू, रेखा दीदी, मम्मी, निकिता, मैं, रितु, फिर यहाँ पे फिर से निकिता, और यहाँ पे मैं। और ये देखो रितु, मम्मी, मैं, रितु, मम्मी, निकिता और मैं, हम चार लोग। तो हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे शिखर मंदिर तब की है ये। और फिर इधर पे है एक और फ्रेम, पापा, मम्मी, निकिता, मैं, रितु, तो हम पांचों लोग। तो ये है फिर कुछ फ्रेम जो मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पे ये इधर पे लाइट है ना, इस वजह से इधर पे शाइन कर रहा है फ़ोटो में, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा चमक भी रहा है वीडियो में। तो मैं आप दिखाती हूँ इधर साइड की, यहाँ पे भी फ़ोटोज़ हैं,
वो भी दिखाती हूँ, मैं पहुँच भी पाऊँगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ। ये है निकिता फर्स्ट वाली जिसने पिछोड़ी हो रही है, और फिर उसके बाद रितु, फिर मैं, उसके बाद ये है हमारे नाना जी, इनको तो आप जानते ही होंगे, राज्यपाल है महाराष्ट्र के, और ये फिर मैं, मेरी फ़ोटोज़ खिंचाई थी मैंने शायद 10th में या 11th में खींची थी शायद, ये वाली फ़ोटो खींची थी। उसके बाद ये वाली फ़ोटो है अन्नप्रास की, इसमें पूरी फैमिली है, और फिर जो ऊपर पे दिख रही है वो वहीं पहुंच नहीं पा रही हूँ। हाँ तो ये है मेरी पूरी क्लास, 9th ही वाली क्लास, ये पूरी 9th ही वाली क्लास है। तो फिर बाद में 10th के बाद सेक्शन चेंज हो गए थे, तो हमारे पास यही वाली फ़ोटो है, और मैं इसमें दिखाती हूँ मैं कहाँ पे हूँ, मैं इन्हीं भोलू सी ना ये यहाँ पे हूँ पूरी सफ़ेद सफ़ेद आई है फ़ोटो, मेरी तो शकल ही नहीं दिख रही है। और एक ये है फ़ोटो पापा और मम्मी की, जब स्टार्टिंग में शादी हुई थी ना तब की फ़ोटो है ये। ये पापा और मम्मी कितने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से लग रहे अब मेरे को डांट गया क्या बोली ये। और ये हैं ये वाली हमारी है नानी, मम्मी की मम्मी, तो जब मम्मी छोटी थी तभी ये चली गई थी इस दुनिया से। और ये हमारे हैं दादाजी, और ये हैं हमारी दादी अम्मा बुब्बू, तो ये हैं नानी अम्मा बुब्बू, तो इनको दिखा दिया मैंने आपको। तो दोस्तों इस कमरे में दिखाने लायक इतना ही है, बोले तो बाकी सब नॉर्मल ही है, जैसा औरों का घर होता है वैसे ही हमारा भी है, तो यही है। और यहाँ पे जो आपको दिख रही है वाइट कलर की, वो है मशीन, मम्मी की सिलाई की मशीन, और एक और मशीन है, मैं एक और मशीन दिखाती हूँ आपको, है मम्मी की मशीन। वैसे मम्मी की बहुत सारी मशीन है, तो मम्मी जब हमारी पहले दुकान नहीं थी ना तो मम्मी वही करती थी, सिलाई विलाई का काम करती थी, तो फिर मैं दुकान खोली, फिर सिलाई भी करती है और दुकान का भी करती है, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको सिलाई की मशीन ढेर सारी। और अभी जाती हूँ मैं दूसरे कमरे में देखते हैं क्या क्या दिखा पाती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ दुकान का मम्मी ने किया सारा चीज़, मतलब साफ़ सफाई मम्मी ने करी, तो दुकान की मेन चीज़ें दिखाती हूँ। बाकी वैसे आपको दुकान तो रोज़ देखने को मिलती है, तो अभी मैं दुकान का दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लटका रखी है बढ़िया से फुलमाला, और काफ़ी सुंदर लग रही है इधर को। आप जाते हैं हम दुकान की ओर। दुकान में आते ही फर्स्ट में रखा है ये, और लिखा है वेलकम। तो ये सारे हैं पोस्टर्स अलग अलग भगवान की और वेलकम वगैरह ये सब, तो यहाँ पे हैं। उसके बाद इधर पे रखे हैं मिठाइयाँ, और इधर साइड रखी है कैंडल वगैरह, मिठाई कैंडल ये सब। और यहाँ पे देखो ये है लक्ष्मी के पैर, लक्ष्मी माता के पैर, तो कुछ लोग तो एप्पल वगैरह भी यूज़ करते हैं, और किसी किसी घर में होता है कि नहीं हो पाता इतना टाइम, तो ये वाला। और यहाँ पे रखे हैं दिए, मिट्टी के दिए, तो ये काफ़ी सारे लेके आए हैं, और हम भी जलाएंगे ये मिट्टी के दिए जलाएंगे। और अभी दिखाती हूँ आगे, और यहाँ पे रखे हैं फ़ोटो माता के, और लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और गणेश जी के, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे जैसे, बड़े प्यारे से रखे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे पूरे ये सब रखे हैं, मतलब सारे ही ऐसे हैं, फ़ोटो इसी हैं भगवान जी के, तो ये हैं। अभी मैं आगे दिखाती हूँ, तो दुकान फ़िलहाल यही जलाया है ओम, तो अभी यही रखते हैं, कल को करेंगे अच्छे से, क्योंकि कल है मेन दिवाली, तो अभी जाते हैं आगे को। तो ये देखो बढ़िया से बतासे भी आ गए हैं, और इधर पर दिखाती हूँ मैं आपको। और ये है खिलौने, तो इसमें अलग अलग शेप होते हैं ना, घोड़े, मंदिर, ऐसे अलग अलग शेप होते हैं, तो हम ना बचपन में बहुत लड़ाई करते थे,
कि हमें ना ये घोड़ा चाहिए बतासा में, या फिर घोड़ा चाहिए, या फिर मंदिर चाहिए, घर चाहिए, ऐसे करके ना बड़े बड़े हम ऐसे ही बोलते थे। खाते तो क्या ही थे, ज़्यादा तो इसी का होता था कि चाहिए कलेक्शन करने का। और ये रहे खिले, तो खिले भी मांगते हैं बहुत, दिवाली के टाइम पे तो मेन ही होता है, तो खिले बतासे। तो ये देखो खिले। तो गाइस बढ़िया सी मम्मी ने करी है पूरी सेटिंग, दिख ही रहा होगा आपको पीछे साइड को। इसको इतने गौर से नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पे पूरे एकदम कपड़े वगैरह एकदम मम्मी ने मस्त सेट कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने करी है, दुकान का सारा सामान मम्मी ने सामान। तो साफ़ सफाई तो पूरी हो गई है हमारा पूरा, मतलब हमने दो दिन में किया, मतलब मैंने पूरी ये वीडियो ना दो दिन की बनाई है, तो दो दिन में पूरा सफाई वगैरह करी बहन लोगों ने और मैंने सब लोगों ने मिलके, और सारा काम हो गया है। अब कल को पूरा अच्छे से दिवाली मनाएंगे और फिर दिवाली का दिखाऊंगी मैं आपको दिवाली का व्लॉग। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय।